सिक्स रीजंस व्हाई यू शुड लीव कोडलर। क्या बोला तूने? नहीं, मैं नहीं मानता। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू टेक रक्षक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा छह ऐसे कारणों की जिसकी वजह से आपको कोडलर को छोड़ना चाहिए। मारो मुझे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, एड्स अप्रूवल सिस्टम। तो गाइस, यहाँ पे मार्च 2019 में कोडलर ने इंट्रोड्यूस किया था एड्स अप्रूवल सिस्टम, जहाँ पे ये आपकी ऐप को रिव्यू करेंगे एंड रिव्यू करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि आपकी ऐप में एड शो करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो बेसिकली गाइस, ये इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बेकार की ऐप्स बनाते थे या फिर बिल्कुल यहाँ पे एड्स वाली ऐप बनाते थे, सेल्फ क्लिक करके जो है वो यहाँ पे पैसे कमाते थे। तो इसके लिए इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। एंड आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि एड्स का अप्रूवल हमें मिल ही नहीं रहा जेन्युइन ऐप होने के बाद भी। लेकिन कल ही मैंने भी गाइस यहाँ पे मेरी फर्स्ट एवर ऐप को जो है वो अप्रूवल के लिए डाला था एंड विद इन 5 to 6 hours जो है वो ये अप्रूवल हो चुका था मेरा। तो मुझे तो कोई सिस्टम में खराबी नहीं लगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रिपोर्ट करते हैं कि एड्स अप्रूवल सिस्टम जो है वो बेकार है। एंड पर्सनल व्यू की बात करूं तो गाइस, एड्स अप्रूवल सिस्टम मींस यार कोडलर कौन होता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी ऐप में जो हम एडमॉब की एड्स या फिर फेसबुक की एड्स शो करवा सकते हैं या नहीं। बेसिकली आपने एक प्लेटफॉर्म हमें दे दिया, ठीक है, लेकिन ये डिसाइड करने वाले आप कौन हो जाते हो कि एड्स हम शो करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। क्या बढ़िया था गुरु। सेकेंड रीजन है गाइस, SDK अपडेट्स। कोडलर जो है वो रेगुलरली SDKs को अपडेट नहीं करता, चाहे वो ऐड नेटवर्क्स के हो या फिर बाकी चीज़ों के हो। बाकी चीज़ों के तो आप लोग जो है वो झेल लेते हो, लेकिन अगर ऐड नेटवर्क का यहाँ पे अपडेट नहीं आता तो आप लोग तो यार पागल ही हो जाते हो कि यार अपडेट ही नहीं आ रहा, हमारी ऐप में ऐड नहीं शो हो रहे। तो बेसिकली यहाँ पे SDKs को जो है वो जल्दी कोडलर अपडेट नहीं करता। इसके बाद गाइस, जो थर्ड रीजन है वो है कमीशन। बेसिकली गाइस, यहाँ पे कोडलर जो है वो उनके यूजर से जो है वो जब भी वो एड्स लगाते हैं अपनी ऐप में उनमें से कमीशन लेता है। लेकिन गाइस, आपको पता है ऐसे भी बिल्डर्स हैं, ऐसे भी ऐप इन्वेंटर्स हैं जो कि 0% कमीशन लेते हैं आपकी एड नेटवर्क में से। कितनी बड़ी बात बताई है। तो बेसिकली गाइस, ये जो कमीशन लेते हैं कोडलर वो भी बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से आपको कोडलर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि बिना कमीशन वाले भी यहाँ पे ऐप इन्वेंटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में। एंड अगर गाइस करंट कमीशन रेट की बात करूँ तो गाइस, आप जाओ कोडलर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाओ एंड उस पर सर्च करो एडमॉब ऐड बैनर ऐड, तो मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ चुका हूँ, मोनेटाइजेशन के अंदर, एडवर्टाइजिंग सेक्शन के अंदर, जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन में आ चुका हूँ। तो अभी गाइस, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ एडमॉब बैनर, तो नए सिस्टम के हिसाब से अपडेट के बाद यहाँ पे जो हमारे पास कमीशन ये लेगा वो है 7% आपकी एडमॉब बैनर एड से। मीन्स की हर 100 एड्स पे 7 एड्स जो है वो यहाँ पे कोडलर अपनी दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे एडमॉब का इंटरस्टिशियल देख लेते हैं। एडमॉब इंटरस्टिशियल में गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10% कमीशन है, मीन्स की हर 100 एड में से 10 एड्स जो है वो यहाँ पे कोडलर की होगी। लेकिन गाइस, आपको भी पता है कि ये सिस्टम धीरे धीरे अभी 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। कोडलर जो है वो अपनी खुद की बैनर एड, अपनी खुद की इंटरस्टिशियल एड एंड अपनी खुद की रिवॉर्डेड एड जो है वो यहाँ पे लेकर आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि इनकी कमीशन कितनी है। तो बेसिकली गाइस, यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो बेसिक यहाँ पे मिनिमम जो कमीशन आप देख सकते हो ना बैनर एड की, बैनर एड है अभी ये, तो बैनर एड की मिनिमम कमीशन है 21%। आप देख सकते हो 21% जो है इसकी मिनिमम कमीशन है। उसके बाद है यहाँ पे 24, 26, 31, 42, 61। यहाँ पे ये क्या सिस्टम है कि यार ये कमीशन बढ़ाई जा रहे हैं। तो ये बेसिकली ये कहते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कोडलर का अपडेट दे दिया एंड विद इन 3 weeks अगर आपने अपनी ऐप को नए अपडेटेड वर्जन के हिसाब से प्ले स्टोर पर या किसी भी चीज़ पर अपडेट नहीं किया, तो फिर हम जब 24% कमीशन लेना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर 3 हफ्ते के बाद, अगर 4 हफ्ते हो गए अभी भी आपने अपडेट नहीं किया, तो 26% कमीशन लेना स्टार्ट कर देंगे। ये सारा सिस्टम इन्होंने पहले से ही आपकी ऐप में लगा देंगे जब आप ऐप को एक्सपोर्ट करोगे। बहुत तेज हो रहा है। इसके बाद ये तो हो गया बैनर ऐड का। देख लेते हैं इंटरस्टिशियल ऐड। इंटरस्टिशियल ऐड में यहाँ पे बेसिक जो कमीशन है वो है 19%। तो 19% लेंगे अगर आप जाओ फ्रेश नए अपडेट्स के साथ चलते हो। अगर आप नए अपडेट्स के साथ नहीं चलते तो 3 हफ्ते के बाद यहाँ पे 22% कमीशन लेना स्टार्ट कर देंगे, फिर 24 एंड अल्टीमेटली यहाँ पे 59% तक जो है वो ये कमीशन चली जाती है 52 वीक्स के बाद।
इसके बाद रिवॉर्डेड वीडियो ऐड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी आपको बेसिक कमीशन यहाँ पे 17% तो मिनिमम देनी ही देनी पड़ेगी अगर आप ऐप को अपडेट्स नहीं करते हो कोडुलर के साथ साथ, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप देख सकते हो 57% एंड 22% आपको कमीशन देनी पड़ेगी। तो गाइज फोर्थ रीजन हमारा नया एड्स का सिस्टम, जहाँ पे गाइज ये कह रहे हैं कि आप हमारी ही एड्स को यूज करो, आपके पास एडमोब फेसबुक यूनिटी स्टार्टअप वगैरह के ऑप्शन सारे के सारे ये खत्म कर देंगे एंड सिर्फ आप जो है इनका खुद का एड नेटवर्क। जी हाँ गाइज कोडुलर जो है वो खुद को एक एड नेटवर्क की तरह ही अभी एस्टेब्लिश कर रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा कोडुलर की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि कैसे आप गूगल एड मैनेजर को यूज कर सकते हो, तो वहाँ पे गाइज स्क्रीनशॉट्स में साफ साफ दिख रहा है कि कोडुलर से ही अभी आपको पेमेंट आएगी, कोडुलर में ही आपको आपकी अर्निंग्स जो है वो शो होंगी। तो बेसिकली गाइज कोडुलर जो है वो अपने आप को एज एन एड नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहा है एंड आपको फोर्स कर रहा है कि आप उसी का एड नेटवर्क यूज करो, चॉइसेस होनी चाहिए, ये कंज्यूमर के राइट्स हैं। तो बाकी यहाँ पे थोड़ी सी इकोनॉमिक्स निकल गई मुंह से, कोई बात नहीं। तो इस वजह से भी गाइज आपको जब वो कोडुलर को छोड़ देना चाहिए आगे आने वाले टाइम में, लेकिन फिर भी गाइज ये वाला जो नया सिस्टम है इसको मैं जो है वो एक बार जरूर ट्राई करके देखूंगा कि क्या इसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, क्या हमें यहाँ पे जो अर्निंग का डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो गाइज फिफ्थ जो रीजन आ जाता है वो है नॉट टू मच फीचर। तो गाइज यहाँ पे कोडुलर में इतने ज्यादा फीचर्स अब नहीं रहे। जी हाँ गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, कोडुलर में फीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे भी यहाँ पे बिल्डर्स ऐप इन्वेंटर्स आ चुके हैं जिनके पास कोडुलर से भी ज्यादा फीचर्स हैं, वो यार बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग फीचर्स हैं, बहुत ही ज्यादा अपडेटेड वो ऐप इन्वेंटर्स हैं एंड अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो गाइज यहाँ पे आपको कोडुलर के अंदर फायरबेस एनालिटिक्स देखने को नहीं मिलेगा, आपको कोडुलर के अंदर रिसाइक्लर व्यू देखने को नहीं मिलेगा, आपको कोडुलर के अंदर फेसबुक की जो नई मीडिएशन का रूल आया वो देखने को नहीं मिलेगा। इवन कि फ्यूचर में तो यार सारे के सारे एड नेटवर्क भी खत्म हो जाएंगे, वहां पर जो नए मार्केट में बिल्डर्स हैं वहां पे सारे के सारे एड नेटवर्क्स हैं, एस्टेब्लिश्ड बिल्डर है वो एक दो साल आई थिंक हो चुका है उसको भी आए हुए, तो बेसिकली गाइज अच्छा खासा वो बिल्डर है कोडुलर जो है वो अब यहाँ पे ज्यादा फीचर्स नहीं रखता। एंड गाइज यहाँ पे लास्ट रीजन जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है वो नया पॉइंट बनाकर रखा हुआ है जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये पॉइंट वैलिड हो जाएगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये वैलिड अभी तक फिलहाल इतना नहीं है, लेकिन अगले एक महीने में ये भी वैलिड हो जाएगा। वो ये है कि आपके पास एड नेटवर्क्स की चॉइस नहीं है, मीन्स की जो एड नेटवर्क्स मेनली ऐप डेवलपर यूज करते हैं एडमोब यूनिटी फेसबुक वगैरह, उसकी ऑप्शन ही नहीं देगा कोडुलर आपको। कोडुलर कहेगा कि हमारा ही एड नेटवर्क है, हमारा ही आप जाओ एड नेटवर्क यूज कर सकते हो, बाकी के एड नेटवर्क्स यहाँ पे डिलीट कर देगा। तो बेसिकली ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक जो वो डीमेरिट बन जाता है कोडुलर का एंड एक तगड़ा रीजन बन जाता है कि आप कोडुलर को छोड़ो एंड किसी नए ऐप इन्वेंटर पर जो है वो स्विच करो। सही बात है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड गाइज अगर आप भी चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं उस दूसरे बिल्डर की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कौन सा वो बिल्डर है, आपको क्यों उस पर स्विच करना चाहिए, तो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना एंड वीडियो अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।